लेकिन जिस तरह से सवाल ये उठ रहा है कि परसों देर शाम ये घटना घटी और दो दिन के बाद यहाँ फॉरेंसिक टीम पहुंच रही है, तो हाथ लगेगा क्या? बहरहाल आपको दिल्ली हिंसा के आरोपी अंसार की अब बात करते हुए दो चेहरे उसके दिखाते हैं। एक पुराना वीडियो है जिसमें अंसार एक युवक को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है। एक युवक चाकू लेकर घूम रहा था, उसे समझा रहा है कि चाकू लेकर घूमना ठीक नहीं है। लेकिन दूसरा वीडियो जब कल अंसार को पेश किया गया रोहिणी कोर्ट में, पुलिस कोर्ट लेकर उसे जब पहुंची थी, उस दौरान अंसार फिल्म पुष्पा के हीरो के अंदाज में एक स्टाइल मारता हुआ मुस्कुराहट के साथ दिखाई दिया, जिसके उसके हाव भाव साफ बता रहे थे कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ उससे उसको कोई अफसोस नहीं। दिल्ली हिंसा में अंसार को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। FIR के मुताबिक हनुमान जयंती पर जब शोभा यात्रा जहांगीरपुरी में मस्जिद के पास पहुंची, तब अंसार अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचा था। शोभा यात्रा में शामिल लोगों से उसी की बहस हुई थी और इसी बहस के बाद हिंसा भड़क गई। दिल्ली हिंसा के दो मुख्य साजिशकर्ता के आरोपी अंसार और असलम से रात भर जहांगीरपुरी थाने में पूछताछ हुई, लेकिन कल जब कोर्ट में उसकी पेशी हो रही थी तो उसकी अकड़ देखकर कोई नहीं कह सकता कि उस पर दो समुदायों के बीच हिंसा कराने के आरोप हैं। बिल्कुल पुष्पा फिल्म के नायक की तरह उसने स्टाइल दिया, चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, कहीं से भी शिकन या पछतावा नहीं था और खुद को बोला भी कि हाँ वो कसूरवार है। अंसार क्या साजिश की थी? दिल्ली पुलिस के डोजियर के मुताबिक मोहम्मद अंसार का जन्म जहांगीरपुरी की झुग्गी बस्ती में ही हुआ। नाम मोहम्मद अंसार, पिता का नाम मोहम्मद अलाउद्दीन, जन्म 1980, पेशा कबाड़ी का काम। पुलिस के मुताबिक अपराध से इसका पुराना नाता है, वो जेल की हवा भी खा चुका है। जहांगीरपुरी की फाइल में दो बार इसके नाम दर्ज हुए हैं। फरवरी 2019 में अंसार को चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था, तब इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई थी। दूसरा मामला जुलाई 2018 का है, जब सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे और मुकदमा दर्ज हुआ था। मोहम्मद अंसार जहांगीरपुरी में ही पैदा हुआ है और महज चौथी क्लास तक पढ़ा लिखा है। जो FIR में नामजद एक्यूज अंसार है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट वेरियस तरह के क्राइम्स के रहे हैं। हिस्ट्री शीटर है, उस पर पुलिस की का ड्यू सर्वेलेंस रहा है, तभी तो इतने तरह के केसेस हैं। ABP News आपको रखे आगे।